दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी वैदिक मंत्र यंत्र लाल किताब तथा आयुर्वेद के प्राचीन रहस्य और सभी ज्ञान वर्ग जुड़े सबसे पहले और मुफ्त में देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन भी दबाएं। जो कि जय भोलेनाथ। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए नया साल विक्रम संवत 2075 मंगलमय हो, साथ ही आपको सभी प्रकार के सुख भी प्राप्त हो। दर्शकों, ये जो साप्ताहिक राशिफल है वह लग्न कुंडली नक्षत्र की स्थिति योग तथा करण पर आधारित होगा। अपनी कुंडली की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आप किसी जानकार व्यक्ति या पंडित की सलाह अवश्य लें। तो दर्शकों, शुरू करते साप्ताहिक राशिफल मेष राशि से। मेष राशि वालों को सप्ताह के शुरू में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर अपने पैसों से संबंधित कार्य को लेकर सावधानी बरतें, किसी के बहकावे में ना आए, अन्यथा आर्थिक हानि के संयोग बन सकते हैं। विशेषकर सोमवार को सतर्क रहे। इसके साथ ही वाहन संबंधित दस्तावेजों को संभाल कर रखें, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को आपकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार आएगा। अपने परिवार के सदस्यों से आपको जरूरी सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। विशेषकर अपनी माता का जरूरी सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी में मधुरता आएगी तथा अपने परिवार में मंगल कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। किसी विशेष कार्य हेतु अपने परिवार के साथ यात्रा के योग भी बन सकते हैं। बुधवार तथा गुरुवार को अपने वाहन को लेकर सतर्क रहे। इसके बाद वृषभ राशि। सप्ताह के शुरू में आर्थिक परिस्थिति में चढ़ाव उतार आ सकता है। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या तथा वाहन की दुरुस्ती पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। इसके साथ ही किसी धार्मिक स्थल पर दान या धार्मिक किताबों पर भी पैसों का व्यय हो सकता है। मंगलवार और बुधवार को गलत संगत से दूर रहे, अन्यथा आर्थिक हानि के संयोग बन सकते हैं। इसके बाद आपकी वाणी में आपकी वाणी तथा आपके चरित्र लोगों को प्रभावित करेगा। आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। अपने खुद के या अपने जीवनसाथी के सौंदर्य संबंधित साधनों पर विशेष रूप से आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है। अपने जीवनसाथी से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। शनिवार रविवार को परिवार में मंगल कार्यों के योग बन सकते हैं। अपने लव पार्टनर से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति समाधानकारक रहेगी। सरकारी कार्यों में विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का जरूरी साथ भी आपको प्राप्त हो सकता है तथा आपको मानसिक शांति का भी अनुभव हो सकता है। आपके लिए आय के नए मार्ग खुलेंगे तथा मूल्यवान गहनों या वाहन खरीदारी पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। नए मित्र भी बनेंगे तथा उनका जरूरी सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त हेतु सोमवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी रहेगा। मंगलवार तथा बुधवार को शेयर मार्केट में पैसों का निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अपने लो पार्टनर से संबंधों में मधुरता आएगी। सोमवार को दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक अपने वाहन को लेकर सतर्क रहे। गुरुवार और शुक्रवार को अपने पैसों को लेकर सावधानी बरतें। इसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस सप्ताह समाधानकारक रहेगी। अपने पिता का जरूरी सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। बिजनेस में भी आप तरक्की करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस में भी खूब वृद्धि होगी। रुके हुए प्रशासकीय कार्य पूरे होंगे। सरकारी कार्यों में स्थित जातकों को अपने कार्यों को लेकर प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। विशेषकर मंगलवार और बुधवार को सरकारी कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। छात्रों के लिए भी यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी छात्रों को विशेष रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही माता के सेहत में सुधार आएगा तथा उनका सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। अपने लो पार्टनर से संबंधों में सुधार आएगा। शनिवार रविवार को गैर कानूनी कार्य से दूर रहे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद सिंह राशि। इस सप्ताह सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आय के लिए नए मार्ग खुलेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इसके साथ ही धार्मिक यात्राओं के छोटे मोटे संयोग भी आपके लिए बन सकते हैं। अपने पिता से थोड़ी बहुत मनमुटाव वाली स्थिति बन सकती है। छोटे छोटे विवादों को वही सुलझाए, क्योंकि अपने पिता से विशेष सहयोग प्राप्त होने के संयोग भी बनते दिख रहे हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप उन्नति करेंगे।
डॉलर में पैसों का निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई से हट सकता है, अतः छात्रों को चाहिए कि अपना मन एकाग्र करें, क्योंकि इस समय आपके लिए भी विशेष रूप से अपॉर्चुनिटीज मिलने के संयोग बन सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अपने वाहन को लेकर सतर्क रहे तो लाभ मिलेगा। अपने लो पार्टनर से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। शनिवार और रविवार को शेयर मार्केट में पैसों का निवेश ना करें। इसके बाद कन्या राशि। इस सप्ताह कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में चढ़ाव उतार आ सकता है। अपने जीवन साथी से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। बिजनेस में भी स्थिति समाधानकारक रहेगी। इसके साथ ही आपके लिए नए कार्यों को करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपने बिजनेस पार्टनर से आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। आप धार्मिक कार्यों में रुचि दिखाएंगे तथा उसमें जरूरी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों के लिए भी यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। पढ़ाई में आपका मन भी खूब लगेगा। उच्च शिक्षित छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका भाग्य आपको जरूर साथ देगा। रुके हुए प्रशासकीय कार्यों के पूर्ति के योग बनते दिख रहे हैं। शनिवार और रविवार को प्रशासकीय कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह अपने पिता का जरूरी सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन अपने वाहन को लेकर सतर्क रहे। इसके बाद तुला राशि। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति में चढ़ाव उतार पूर्ण स्थिति रहेगी। आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। सप्ताह के शुरुआत में यानी सोमवार को कोई विशेष मानसिक चिंता को लेकर आपका मन विचलित हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको विशेष रूप से मानसिक समाधान मिलेगा। हो सके तो सोमवार को किसी से कर्जा ना ले और वाद विवाद से दूर रहे तो आपको लाभ मिलेगा। अपने जीवन साथी से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। बिजनेस में भी स्थिति समाधानकारक रहेगी तथा डेली वेजेस में भी वृद्धि होगी। अपने बिजनेस पार्टनर से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। अगर विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो मंगलवार और बुधवार के दिन आपको सुंदर, शांत, आकर्षक तथा प्रशासकीय कार्यों में स्थित जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। छात्रों के लिए सप्ताह के आखिरी दिनों में विशेष सफलता के योग बन सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए टेबल के नीचे से अनायास धन लाभ के भी योग बन सकते हैं। सोमवार और शुक्रवार को अपने वाहन को लेकर सतर्क रहे। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति चढ़ाव उतार पूर्ण रहेगी। आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित कर सकती है। अपने संतान के कार्यों से आपको समाधान प्राप्त होगा। खेल कूद तथा क्रीड़ा क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। प्रदूषण संबंधित छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या निर्माण हो सकती है तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में दृढ़ता आएगी। अगर विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो गुरुवार तथा शुक्रवार को आपको सुंदर, आकर्षक तथा आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंस तथा रिसर्चर्स के क्षेत्रों में कार्यरत छात्रों को विशेष सफलता प्राप्त होने के संयोग बन सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अपने वाहन को लेकर सतर्क रहे। इस सप्ताह लो पार्टनर से संबंध मधुर बने रहेंगे। सोमवार को शेयर मार्केट में पैसों का निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शनिवार तथा रविवार के दिन किसी भी व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास ना करें। इसके बाद धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए इस सप्ताह आर्थिक स्थिति समाधानकारक रहेगी। कई दिनों से रुके हुए प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में प्रयासों के बाद सफलता प्राप्त हो सकती है। अपनी माता से थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति निर्मित हो सकती है, अतः अपनी मानसिक शांति बनाए रखे तो लाभ मिलेगा। अपने संतान की खुशी के लिए आपका पैसा खर्च हो सकता है। अपने संतान से आप समाधानी रहेंगे। किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो आप उसमें जरूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस में समाधान की स्थिति बनी रहेगी तथा डेली वेजेस में भी वृद्धि के संयोग बन सकते हैं। छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधित समस्या और उससे आपको समाधान मिलेगा। इस सप्ताह ऋण मुक्ति के योग भी आपके लिए बन सकते हैं तथा कर्ज या लोन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। सोमवार तथा बुधवार को दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक अपने वाहन को लेकर सतर्क रहे। इसके बाद मकर राशि। इस सप्ताह मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति समाधानकारक रहेगी। परिवार से आपको जरूरी सहयोग प्राप्त होगा।
विशेषकर अपने छोटे भाई या बहन से। इसके साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, जिसके कारण आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अपनी माता के सेहत में सुधार होगा तथा उनका जरूरी सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। कई दिन से रुके हुए प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है तथा नए मकान तथा वाहन के संयोग भी आपके लिए सप्ताह में बन सकते हैं। नए मित्रों से मेल मिलाप होगा तथा उनके साथ छोटी मोटी पिकनिक पर जाने के योग भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका मन उत्साह से परिपूर्ण रहेगा तथा मनोरंजन की ओर आपका मन आकर्षित हो सकता है। आप अपनी संतान से समाधानी रहेंगे, पेट तथा गर्भाशय संबंधित समस्याओं से समाधान मिल सकता है। अपने लव पार्टनर से संबंध विशेष रूप से मधुर बने रहेंगे तथा शेयर मार्केट में पैसों का निवेश आपके लिए लाभदायी रहेगा। बुधवार तथा शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच अपने वाहन को लेकर सतर्क रहे। रविवार के दिन किसी भी व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास ना करें। इसके बाद कुंभ राशि। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति समाधानकारक रहेगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तथा आप अपने मेहनत से कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। अपने नजदीकी व्यक्ति से आपको किसी प्रकार की हानि संभवित हो सकती है, अतः हर कार्य को सावधानीपूर्वक और सोच समझ कर करें तो आपको लाभ मिलेगा। अपने परिवार के किसी सदस्य से थोड़ी बहुत मनमुटाव वाली स्थिति निर्माण हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, छोटी मोटी समस्याओं को वही सुलझाए तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। प्रॉपर्टी मकान तथा वाहन संबंधित कार्यों में इस सप्ताह विलंबता का अनुभव हो सकता है। अपने माता की सेहत का ध्यान रखें, पाचन संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या भी निर्माण हो सकती है, इसलिए अपने आहार पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने लव पार्टनर से संबंध मधुर बनाए रखें तथा उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करने से पहले बड़ों की सलाह अवश्य लें। रविवार के दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अपने वाहन को लेकर सतर्क रहें। इसके बाद मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी आय में खूब वृद्धि होगी तथा आप अपने ज्ञान और चातुर्य से किसी भी कार्य को सफल बनाएंगे। आपका मन आनंदित रहेगा तथा आपके ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में खूब वृद्धि होगी, जिसका लाभ छात्रों को विशेष रूप से प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा तथा आप अपने ज्ञान में वृद्धि होने के कारण ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। अपने लव पार्टनर से संबंधों में दृढ़ता आएगी। इसके साथ ही अनायास धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए जरूर बन सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसों का निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विशेषकर शनिवार और रविवार के दिन शेयर मार्केट से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। तो दर्शकों, यह था इस सप्ताह का संक्षिप्त साप्ताहिक राशिफल। कल एक और नई वीडियो के साथ हम आपके लिए उपस्थित होंगे। तो दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे जरूर लाइक करें ताकि हमें भी अच्छा लगे। और दर्शकों, हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और दर्शकों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन भी दबाएं। तो दर्शकों, ये वीडियो देखने के लिए आपका